हाय गाइस, यम्मी स्पाइसेस में आपका स्वागत है। आज हम सोयाबीन की बड़ियों की सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो आइए सोयाबीन की बड़ी की सब्जी कैसे बनती है देखते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मैं ली हूँ 100 ग्राम सोयाबीन की बड़ियां, 2 प्याज, 2 मिर्च, 4 आलू, 2 टमाटर, थोड़ा सा दूध, अदरक कुटी हुई अदरक लहसुन 1 चम्मच, कसूरी मेथी, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। पहले हम एक पतीले में थोड़ा सा पानी लेते हैं और उसको उबाल लेते हैं। जब ये पानी उबल जाएगी उसमें हम सोयाबीन की बड़ियां डाल के 10 मिनट तक छोड़ देंगे। सोयाबीन की बड़ियों को गर्म पानी में डाले, अब 10 मिनट हो गया। अब हम इसे छान कर अच्छे से धो लेंगे, धो के निचोड़ लेंगे। अब हम बड़ियों को छान लेते हैं। इसके बाद इसे अच्छी तरह धो लेंगे। इसको धोने के बाद इसे अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, इसकी पानी पूरा निकल जाए उस तरह निचोड़ लेंगे। इस सब्जी के लिए हमें प्याज को बारीक चॉप करना है, इसीलिए मैं थोड़ा मैं चॉपर यूज करके इसमें बारीक चॉप कर लूंगी। चॉपर यूज कर रही हूँ जिसकी सहायता से मैं अच्छी तरह प्याज को चॉप कर दूंगी। हमें प्याज इस तरह चाहिए। अब हम आलू को थोड़े छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। अब हम हरी मिर्च को काट के बीच से चीरा लगा लेते हैं। अब हम टमाटर के प्योरे बनाने के लिए टमाटर को थोड़े मोटे मोटे काट लेंगे। अब हम टमाटर को पीस के इसको प्योरी बना देते हैं। अब सब तैयार है, अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। पहले गैस को ऑन करके एक पैन में इसमें थोड़ा सा तेल डालें, करीब 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब तेल गरम हो गए, इसमें हम आलू को सेलो फ्राई कर देंगे। इस सब्जी को बनाने के लिए आप कोई भी तेल ले सकते हैं, जैसे कि रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल। दोनों ही तेल में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इससे थोड़ा सा तेल निकाल दिए और इसमें ये सोयाबीन की बड़ियां डाल के इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन तक होने तक इसको हम भून लेंगे। अब बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे।
अब हम दूसरे पैन लेते हैं, इसमें 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो गई, इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देते हैं। अब जीरा थोड़ा सा क्रैकल होने के बाद इसमें हम प्याज को डाल देंगे, प्याज हरी मिर्च को डाल देंगे। अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी, इसमें हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को डाल देंगे। थोड़ी देर चलाएंगे, इसके बाद कुछ सेकेंड्स के बाद हम टमाटर प्यूरी को डाल देंगे। अब टमाटर और प्याज से तेल छोड़ने लगी है, इसमें हम मसाला डाल देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम कसूरी मेथी को भी डाल देंगे, डाल के इसे अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। अब मसाला तेल छोड़ दिया, देखिए उसके बाद हम इसमें ये आलू और ये मिला करके बढ़िया डाल के अच्छी तरह मिला लें। इस समय हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद आप इसमें गरम पानी डालेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे धीमी गैस में। अब हम देख लेते सब्जी उबली है कि नहीं, आलू उबली है कि नहीं। आलू उबल गए हैं। अब हम इसमें 1/2 कप दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरह चलाते रहें 1 उबाल आने तक। आप इसमें दूध की जगह क्रीम या मलाई डाल सकते हैं। अब सब्जी में उबाल आ गई है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच
आधा स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब सब्जी रेडी है खाने के लिए। अब सब्जी खाने के लिए तैयार है।